जेल में योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद की जेल की चार दीवारी में रहने वाले महिला एवं पुरुष बंदियों व अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योगा किया और कोरोना को हराने में मददगार बताया। योगा में महिला बंदियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिरोजाबाद जिला जेल में जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान रोजाना बंदियों को योगा कराने की व्यवस्था की है। बंदी योगा के महत्व को समझते हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि योगा से शरीर स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मनुष्य तनाव मुक्त रहता है। जेल में महिला बंदी उम्मा का कहना है कि वह महिलाओं को रोजाना योगा करती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। वही पुरुष बंदी सुदीप भी योगा से बहुत खुश है। उसका कहना है कि दूरी बनाकर योगा किया गया, इससे अनेक प्रकार के संक्रमण जैसे कोविड-19 से लड़ने में सहायता मिलती है। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि जेल में रहते हुए भी महिला एवं पुरुष प्रतिदिन योगा करते हैं और बंदियों को उसके लाभ के बारे में बताया जाता है, जिससे सभी स्वस्थ और तनाव मुक्त रहे और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े। दहेज में हूँ। मैं 3 साल से जिला कारागार फिरोजाबाद में निरुद्ध हूँ। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैंने महिलाओं को योगा भी कराया है और डेली में महिलाओं को योगा कराती हूँ। और योगा कराने से जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है और कोरोना हराने में मदद मिलेगी, शरीर हमारा सही रहेगा। मेरा नाम सुधीर है और मैं जिला कारागार फिरोजाबाद में दहेज हत्या के मुकदमे में सिद्ध दोष बंदी के रूप में निरुद्ध हूँ। आज 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। जिला कारागार फिरोजाबाद में भी आज योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सभी बंदियों ने उचित दूरी रखते हुए योगासन किए। योगासन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमें अनेक तरह के संक्रमण जैसे कोविड-19 आदि से लड़ने में सहायता मिलती है। आज जिला कारागार फिरोजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर महिला और पुरुष बंदियों द्वारा विशेष योगाभ्यास किया गया और महिला और पुरुष बंदी प्रतिदिन कारागार में योगाभ्यास करते हैं। उनको बताया गया है कि योगा करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, दिन भर चुस्ती फुर्ती और ताजगी बनी रहती है और इस कोरोना काल में कोरोना को हराने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो योगा के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है।